Hello and welcome everyone to my another vlog. I am Chitrali Vande, currently studying in Orenburg State Medical University, Russia, fourth year. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लाइक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए एंड कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी काफ़ी बच्चे कंफ्यूजन में हो गए कि हम लोग पढ़े कहाँ से, हम लोग क्लास कब जाए, हम लोग खुद की पढ़ाई कब करें, सेल्फ स्टडी कब करें एंड ऑल. एंड तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करने में भी हाँ टाइम लगेगा, ऑब्वियसली नई जगह पर थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगता है. सो स्टार्टिंग विथ सबसे पहली बात, इस बार आपके क्लासेस आपको बहुत ज़्यादा लगेंगे. तो लाइक बाकी की जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे बाकी के आपको कुछ सब्जेक्ट्स आएंगे बाद में, जैसे फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, तो ये जस्ट आपको पास करना है. इसके लिए बहुत पढ़ने की नीड नहीं है. आपके फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा दिसंबर में, जो एग्ज़ाम नहीं होगा, जाचोत के फॉर्म में होगा, रशियन का एग्ज़ाम होगा. एंड देन आपका एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर के एंड में आपका सिर्फ बायोलॉजी का एक एग्ज़ाम होगा जो इम्पॉर्टेंट है. लाइक ऐसा नहीं कि बाकी के एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाकी के भी एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है, बट एक बायो का मेन एग्ज़ाम होगा आपको. एंड उस एग्ज़ाम में ऐसा होगा कि वेरिएंट्स होते हैं, लाइक वेरिएंट्स आर पीस ऑफ, मतलब एक पेपर होगा जिसपे क्वेश्चंस लिखे होंगे एंड जो ऐसे इन्वर्टेड करके उल्टे करके रखे होंगे, एंड आपको जाके अपना वेरिएंट सेलेक्ट करना होगा एंड आपको आपका आंसर ओरली देना होता है. तो लास्ट में एग्जाम ऐसे ओरली होगा. एंड ऑल्सो हमेशा अब ये होगा कि एक चैप्टर खत्म होने के बाद, या एक जैसे एनाटॉमी में ऐसा होगा कि बोन्स का जब आपका पढ़ के हो जाएगा तो आपका मॉड्यूल होगा, फिर उसके बाद मसल्स होगा, मसल्स खत्म होने के बाद आपका एक मॉड्यूल होगा. तो कोशिश करिए कि आप ये मॉड्यूल में बहुत अच्छा परफॉर्म करें एंड अच्छा स्कोर लेके आए. मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई करें कि आपको 5 में से 5 मिले. एंड एक एनाट ही सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है. तो एनाट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको प्रीव्स मिल जाएगी यहाँ की लाइब्रेरी से, एंड ऑल्सो आपके पास बीडी भी होगी. हर किसी का अलग तरीका होता है पढ़ने का, तो आप कोशिश करें कि जो वे आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है उस वे से पढ़िए. अब वो आपको खुद ढूंढना होगा कि आपको कैसे ज़्यादा ईजीली पढ़ा जा रहा है. एंड जैसे आपकी ये एनाट की क्लास 1 हफ्ते बाद है, तो कोशिश करें कि आप आज से स्टार्ट करें, ताकि अब आपका स्केड्यूल इतना ज़्यादा हैक्टिक होगा कि आपके लिए तब पढ़ना एक दिन में बहुत मुश्किल होगा. तो अभी से स्टार्ट करें. आपकी पहली क्लास होगी वर्टेब्रा की. वर्टेब्रा की क्लास में आप कैसे डिफरेंट वर्टेब्रास को डिफाइन कर सकते हैं, कौन सा थोरेसिक वर्टेब्रा है, कौन सा लंबर वर्टेब्रा है, ये सब आप वर्टेब्रा का मतलब पहली क्लास में ही अच्छा परफॉर्म करिए. पहली क्लास में अच्छे से पढ़ के जाइए. बाकी एज सच दूसरी क्लासेस के लिए फर्स्ट क्लास में अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं भी करते हैं तो भी ठीक है, बट एक एनाट की क्लास है जिसमें आपको अच्छे से परफॉर्म करना है. ये हो गया एकेडमिक्स से रिलेटेड. देन जो दूसरी चीज़ें इम्पॉर्टेंट ये है कि कुछ यूनिवर्सिटी के रूल्स है जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए. जैसे सेकेंड शूज़ जो होते हैं वो वेयर करने होते हैं, एंड आपके स्नो शूज़ उतार के रखने होते हैं. कोशिश क्या करिए किसी और के शूज़, किसी और का जैकेट मत उठाइए. इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से भी लास्ट टाइम काफ़ी बच्चे रस्टिकेट हुए हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए. अगर आपको डिपार्टमेंट के या फिर अलग अलग कॉर्पस के एड्रेस से रिलेटेड अगर कन्फ्यूजन है, तो इस पर मैं ऑलरेडी दूसरा एक वीडियो डाल चुकी हूँ, आप वो देख सकते हैं, या आप मुझे पूछ सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ से कैसे जाते हैं. आपका स्केड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक होगा, हो सकता है कि आपको सुबह का खाने का टाइम नहीं मिलेगा. कोशिश करें कि आप थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस रहे, अपना ख्याल खुद रखें एंड ब्रेकफास्ट कीप ना करें, खुद का ब्रेकफास्ट ले लें. कोई ना कोई ब्रेकफास्ट आप मूसली या कुछ ऐसे जो भी आपको पॉसिबल हो, जो भी आप खा सकते हो वो खा लिया करो, ब्रेकफास्ट कीप मत करो. एंड कोई भी अतरावत का नहीं लेना है. हर क्लास जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. स्पेशली कभी भी कोई भी एनाट की क्लास मत छोड़ना. ऐसा नहीं कि आप बाकी की क्लास छोड़ सकते हो. हर क्लास जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड अगर आपको छुट्टी लेनी ही है, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा हो गया एंड आप स्टिल लेना चाहते हो, आप रूस्की की क्लास में ले सकते हो, बट ऐसा नहीं कि लेना है.
कोशिश करो कि आप हर क्लास जाओ, और कोई भी अतराबोध का मतलब क्या होता है कि जिस क्लास आप जाते नहीं हो उस क्लास में आपकी अब्सेंट मार्क होता है, तो वो उस क्लास के आपके 0 मार्क्स चढ़ जाते हैं, वो होता है अतराबोध का। तो वो आपको जाके बाद में क्लियर करना होगा, इसलिए बेटर होगा कि आप रेगुलरली क्लास जाए, अनलेस एंड अल्टिन आपका बहुत एक कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न हो। एंड यहाँ स्प्राव का जितना इजीली इंडिया में मिलता है वहाँ उतना इजीली यहाँ स्प्राव का नहीं मिलता, तो कोशिश करें कि आप कोई भी अतराबोध का ना लेते हुए हर क्लास जाए। फॉर योर न्यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू बिगनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।